हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज आए हैं एक नया केस स्टडी के साथ, जो फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड के साथ। ये है, कहाँ गया, ये तो आ नहीं रहा है। फॉक्सकॉन का 61 सीरीज का मदरबोर्ड है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है E61MX वर्शन 2.0। तो ये नो पावर कंडीशन में है, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं नो पावर कैसा है। तो थोड़ा सा साउंड आ सकता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी यहाँ पर क्लब के आसपास अभी भी माइक चल बज रहा है। तो दिवाली के आज जो खाना होता है जो वो प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो इसका डिवाक कार्ड यहाँ पर डाल देते हैं और तो पावर स्विच ऑन करते हैं और SMPS का पावर देते हैं। चलो देखो, अभी जब मैंने पावर दिया, देख सकते हो आप, तो एक फैन भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर PS1 वोल्टेज जो है वो आ चुका है, देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है PS1 वोल्टेज आ चुका है। तो अभी टिगर करके देखते हैं, ये इसका फ्रंट पैनल। तो अभी देखो, यहाँ पर टिगर कर रहा हूँ, बोर्ड में कोई रिस्पांस नहीं है। तो अभी मैंने BNM का जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो डाला ही नहीं, फिर भी ये कोई रिस्पांस नहीं। तो 12 वोल्ट जो है, 12 वोल्ट इनपुट हम करके भी एक बार ट्राई करते हैं, तो भी कोई रिजल्ट नहीं। देख सकते हो आप, बोर्ड में जरा सा भी हेलदोल नहीं है, पर PS1 वोल्टेज इसका अवेलेबल है। दैट मीन्स आपका जो PS1 वोल्टेज होगा, अब देख सकते हो मल्टीमीटर को क्लियर दिख नहीं रहा है कि पता नहीं चल रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर दूँ अच्छे से, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, अब दिख रहा है। तो अभी देखो, ये DC20 पे है अभी, तो एक मैं ग्राउंड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर SMPS पे ग्राउंड कर देता हूँ। और इसका देखो जो फ्रंट पैनल है, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ नहीं तो नहीं दिखेगा। मल्टीमीटर पे फॉलो करो, आप देखो इसका जो फ्रंट पैनल है वहाँ पर 3.31 वोल्टेज अवेलेबल है, 3.31 वोल्टेज। और यहाँ पर PS1 वोल्टेज भी है, देख सकते हो डिबग कार्ड में, सॉरी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर डिबग कार्ड में भी PS1 वोल्टेज है और यहाँ पर फोन पैनल पे भी 3.31 वोल्टेज है। तो अभी जब हम इसको ट्रिगर करते हैं ट्वीजर से, तो बोर्ड नहीं चलता है। और अगर यह से थोड़ा सा शॉर्ट जो करते हैं बोर्ड को, कहाँ गया, एक सेकेंड, यह से मैं अगर शॉर्ट करूँ तो बोर्ड चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट करने से बोर्ड चल रहा है पर ऑफ हो रहा है, बाईफोर्स जो हम बोर्ड को चलाते हैं। तो इस सेक्शन में कुछ, प्राइमरी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है जो बोर्ड चल नहीं रहा है। BNM सेक्शन को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि पहले हमें चेक करना पड़ेगा इस सेक्शन में। BNM 4 पिन अगर आप हटा दोगे तो भी ये बोर्ड थोड़ा सा घूम के भी बंद हो जाएगा या फिर चलेगा। 61 का मदरबोर्ड है ये। तो अभी देखो, तो ये तो चल नहीं रहा है, तो बेसिक कुछ काम है जो वो ही पहले करना है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो बायस का इशू नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेटली आप बायस पे कुछ भी ट्राई मत करें, क्योंकि बायस के वजह से नो पावर आता नहीं है मैक्सिमम टाइम। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल नहीं रहता कोई भी, तो फिर उस नो पावर का रीजन कुछ और होता। यहाँ पर PS1 मिल रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। तो और एक चीज थोड़ा सा दिखाना है, साथ में रहो। तो अभी एक चीज़ मैंने नहीं दिखाया अभी भी, तो मुझे भी देख लेना चाहिए। और चलो छोड़ देते हैं 4 पिन को, चलो एक फैन लगा देता हूँ, एक सेकंड आप ये देख लो। अभी मैंने पावर दे रखा है तो यहीं से ही पता चलेगा पावर है बोर्ड में, दिख रहा है ना PS1 वोल्टेज है। तो अभी मैं इसका जो क्रिस्टल है इसे हटा देता हूँ, इसका जो क्रिस्टल है इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके देख लेते हैं। फिर भी बोर्ड नहीं चल रहा है और फोन पैनल से तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो
तो यही दिखाना था क्रिस्टल के वजह से हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला काम जो होता है इस टाइप के केसेस में, अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है लेकिन पीएस ऑन वोल्टेज अवेलेबल है, तो देखो इसका रीजन क्रिस्टल से भी हो सकता है और पीसी से भी हो सकता है, आयो से भी हो सकता है। और अगर साउंड आईसी लैन आईसी खराब हुआ तो ऐसा भी होता है, लेकिन इस बोर्ड में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये हीट नहीं हो रहा है जब मैंने पावर दिया था, पहले मैंने देखा जब डेस्क पे लाया, उस वीडियो बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा देख लिया, फिजिकली इंस्पेक्शन होता है जो मैंने कर लिया। तो अब सोचा तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, एक वीडियो बना देता हूँ। तो आपको देखना है थोड़ा सा आजू बाजू में, बोर्ड में पीछे में थोड़ा सा देखना है, और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कहीं पर भी कुछ डैमेज वगैरह नहीं है और पीसीबी का जो ट्रैक है वो भी सही है। तो पहला तो हम इस क्रिस्टल को थोड़ा सा रिसोल्ट करेंगे और इसको भी निकालेंगे, ठीक है। तो इस ये मैंने ये जो पीसीएच का जो हीट सिंक है उसे मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको निकालूंगा और देखूंगा, अगर इसके अंदर डस्ट वगैरह बहुत सारा जम चुका है तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर डस्ट जम गया है तो ऐसे उल्टा हो रहा है मेरा, तो ऐसे खोलता हूँ तो कहाँ गया, और एक ओ ये वाला, तो देखते हैं इसे भी, सॉरी एक सेकेंड ऐसे करना पड़ेगा नहीं तो नहीं हो रहा है। चलो मैंने इसे भी हटा दिया, तो देख सकते हो यह है इसका पीसी। कैमरा में कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, पर यह बहुत डस्ट भरा पड़ा है यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर डस्ट का जो एक लेयर हो चुका है इस एरिया में, बहुत डस्ट है बहुत। तो चलो दो चीज करेंगे, अगर उसमें से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। लेकिन पहला स्टेप जो होना चाहिए आपका, क्रिस्टल को रिसोल्ट करो या फिर एक बार चेंज करके देख लो अगर आपके पास स्टॉक में है तो, और इस पीसीएच को प्रॉपर क्लीन करो। तो मैं इसको प्रॉपर पहले क्लीन कर देता हूँ, इसको प्रॉपर क्लीन करो और एसएमडी को चालू कर दो। चालू कर दिया मैंने, आयरन तो हीट दे दिया था पहले ही, तो अभी करना है देखो, पहले ये जो क्रिस्टल है इसको थोड़ा सा पेस्ट देके रिसोल्ट कर दूंगा मैं बोथ साइड से, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी। और उसके बाद इसका जो पीसीएच है थोड़ा सा ड्राई हीट कर दूंगा ऊपर से, ठीक है। तो मैंने इसको डिसोल्ट कर दिया आगे से, आपको भी ऐसा करना है अगर पीछे में, ठीक है नहीं लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। और इसको जो है इसका पीसीएच को थोड़ा सा ड्राई हीट कर देना है बोथ साइड से, ठीक है। तो अभी मैं इसको ड्राई हीट कर दूंगा, दिख रहा है ना आपको, बस ऐसे रखो तो ड्राई हीट करना है, क्योंकि ये बहुत डस्ट था इसके अंदर जिसके कारण भी बोट कभी कभार ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है, पहले अगर बोर्ड नो पावर कंडीशन में है तो पीसीएच का हीट सिंक खोलना है और देख लेना है क्लियर है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, और क्रिस्टल को एक बार रिसोल्ट करना है। ये है आपका पहला स्टेप। और अगर पीएसएन वोल्टेज आपका मिल रहा है तो 3.3, तो अभी थोड़ा सा नीचे से करना है, गाइड कर रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, और थोड़ा सा करूंगा,
बस हो गया, तो बस इतना ही आपको पहले करना है और एक बार ट्राई करना है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, तो थोड़ा सा ठंडा होने को देते हैं, अगर नहीं हुआ तो आगे का स्टेप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो मैंने रिसोर्ट किया इसको मैं पहले से ही क्लीन कर देता हूँ, ताकि अगर वो रेडी हो जाए तो कभी कभार याद नहीं रहता है, तो ऐसे बोर्ड डिलीवरी करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो समझेगा यहीं पर शायद काम किया होगा। तो मैंने ऊपर क्लीन कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर रिसोल्ट किया, और इसे ये अभी भी गर्म है, तो और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जिसे मैं वॉक कर देता हूँ। तो अभी इसका जो हीट सिंक है इसे मैं लगा देता हूँ, और ये हीट सिंक लगाने से तुरंत हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अभी एक बार इसे पावर देके देखेंगे कि इसका कंडीशन, इसका जो प्रॉब्लम है ये पीसीएच और क्रिस्टल से ही हो रहा था या फिर कुछ और वजह से है, तो देखेंगे। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो डिबग कार्ड को भी डाल देता हूँ, यहीं पर ही डाल देता हूँ। चलो पी एस ऑन वोल्टेज तो पहले से ही था, अब भी आ चुका है, देख सकते हो अभी। तो एक फैन लगा के एक बार ऑन करना है हमें बस, और फैन लगा दिया, अब थोड़ा सा मल्टीमीटर पे आ जाते हैं और देखते हैं पी एस ऑन वोल्टेज इसका अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार होता है, मैंने देखा है हीट देने के वजह से और बिगड़ जाता है। मैंने ज़्यादा हीट नहीं दिया और ड्राई हीट किया, फिर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ 3.31 सेम वोल्टेज अवेलेबल है। तो अभी एक बार हम इसे ट्रिगर करते हैं, चलो एक बार में। तो बोर्ड 00 कोड पे ऑन हो गया, 00 कोड पे ही है अभी, कोई बात नहीं, बड़े से बंद करके फिर से चला के देखते हैं। तो इस पोर्ट में डिबग कार्ड काम नहीं करेगा इसका, बोर्ड का जो है यहाँ पर एलपीसी पोर्ट है टीपीएम करके, वही पोर्ट पे काम करेगा। तो चलो वही पोर्ट पे डाल के एक बार चला के देखते हैं कि इसका कोडिंग वगैरह कुछ है कि नहीं। कोडिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी ऑन हुआ है, फिलहाल अभी ऑन हुआ है। तो पहले जो नो पावर कंडीशन में था वो शायद ब्रिज या फिर क्रिस्टल के वजह से ही था, तो अभी ऑन हो चुका है ये, कोई बात नहीं। चलो अब देख सकते हो ये प्रॉपरली ऑन हो चुका है, हटा देते हैं इसका एक बार, इसे ऑफ कर देता हूँ। इसका जो सीमोस का जंपर है इसको थोड़ा सा क्लियर करना है यहाँ पर, ऐसा क्लियर करके देखता हूँ, कभी कभार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो इतना गैप क्यों हो गया भाई, चलो तो ऐसा हो जाता है, देखते हैं। और एक बार चला के 00 कोड आ रहा है इसका, सीपीयू, हाँ सीपीयू तो हीट हो रहा है, ठीक है देख लेते हैं। चलो बोर्ड मेरे ख्याल से रेडी हो गया, A3 आ गया है, मतलब बोर्ड रेडी हो चुका है। तो डिस्प्ले इसका पहले जब नहीं आया तो यहाँ पर कुछ राष्ट्र वगैरह पड़ चुका था शायद, तो थोड़ा सा मैं और भी क्लीन कर दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब क्लियर कर दिया, और एक बार चला के देखते हैं। चलो तो फिलहाल ये बोर्ड रेडी हो चुका है।
इसका डिस्प्ले भी आ चुका है A3, मतलब डिस्प्ले आ चुका है। फिर भी जिसे जिन्हें नहीं पता, जो नया हो वो एक बार देख लो। तो देखो नॉर्मल सी बात है, डिस्प्ले इसका आ चुका है, देख सकते हो। सॉरी इसका देख सकते हो, डिस्प्ले इसका आ चुका है। देखो सिंपल सी बात है, पहले नॉर्मल जो जो तरीका है उसे पहले अप्लाई करो, और बीजेपी भी देख लेते हैं एक बार डिस्प्ले है कि नहीं, कुछ और इशू है कि नहीं। तो मॉनिटर मेरा ऑन नहीं है, ऑन कर दिया। हाँ तो डिस्प्ले इसका आ चुका है, देख सकते हो आप भी, ये आ चुका है। ये F1 L1 क्या मांग रहा है, इसे F1 मांग रहा है, कंटिन्यू। तो चलो F1 कर देते हैं, F1 पे बास पे घुस गया, कोई बात नहीं। तो डिस्प्ले इसका प्रॉपरली आ चुका है, नॉर्मल सिंपल सी बात था। पहले ही अगर कुछ उल्टा उल्टा कर देते तो ये बोर्ड रेडी नहीं होता। तो देखो हल्का सा मैंने हीटअप किया इसका जो PCH था और इसका जो क्रिस्टल था, उसे रिसोल्ट कर दिया एक बार। तो बोर्ड में कई कई बार एक बार रिस्टार्ट कर दिया मैंने, बोर्ड में छोटा मोटा कुछ ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन ढूंढ ना पाने के वजह से हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा इशू है। और चलो बीप दिया, आ गया डिस्प्ले इसका। यहाँ पर मॉनिटर पे TFT पे भी मेरा आ गया है।